जम्मू कश्मीर से आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक बार फिर से ड्रोन दिखा है। इस वक्त की बड़ी अहम खबर, बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग की है। इस वक्त की बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर एक बार फिर से ड्रोन देखा गया है जिस पर बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग की है। सुरक्षा बलों ने लाइट मशीन गन से भी भारी गोलाबारी इस पर की है। अरनिया सेक्टर में ये ड्रोन की संदिग्ध गतिविधियां नजर आई हैं। आपको बता दें कि लगातार ये गतिविधियां सामने आ रही है, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स पर, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बार बार ड्रोन दिख रहा है। गोलीबारी के बाद पाकिस्तान लौटा है ड्रोन, बीएसएफ की तरफ से बयान सामने आया है। पुलिस की मदद से इलाके में तलाशी अभियान लगातार जारी है। ये तीसरी से चौथी घटना हो चुकी है जब ड्रोन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर प्रवेश करते हुए देखा गया। उसके बाद हमारे जवानों ने जितनी बार भी ड्रोन आया है, या तो उसको मार गिराया है या तो वापस लौटा है, और इस बार भी ड्रोन जो है पाकिस्तान वापस लौटा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है वो लगातार अपने मंसूबों को जो है सफल करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन क्योंकि हमारे जवान जो है बिल्कुल सतर्कता से तैनात है, बहुत बखूबी जानते हैं कि कैसे इनसे निपटना है। साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर। अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।